राधे राधे श्रद्धे श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुवरों को हर महादेव। शंभु, जय श्री शंकर। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को 19 दिवसीय भगवान शिव के 19 अवतारों को श्रवण करने की बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि आप सब लगातार हम सब के साथ बने हुए हैं और प्रतिदिन आप सब की ये बढ़ती संख्या, आप सबका ये अपार प्रेम और आप सबका ये विश्वास हम सबको प्रेरणा देता है आगे बढ़ने को। बहुत आप सबके सदविचार भी हम प्राप्त होते हैं। प्यारे बुजुर्गों, आप सब का प्रेम स्नेह इसी प्रकार हम सबके साथ बना रहे और आप सबको और भी सुंदर कार्यां प्राप्त भगवान नाम की होती रहे, इसके लिए आप सब भी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य अपने सभी अरे बुजुर्गों को, अपने सभी चित परिचित रिश्तेदारों को, जनों को, सभी से आप इस चैनल से को जुड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube पर जाकर के केवल आपको अपने महाराज जी का नाम पुष्कर कृष्ण जी लिख करके चैनल का लिंक प्राप्त हो जाता है। चैनल YouTube आप हमारे साथ जाते हैं तो सब्सक्राइब के ऑप्शन पर जाकर सब्सक्राइब बेल आइकॉन जहाँ एक घंटे का चिन्ह बना हुआ है उसे आप सब जरूर स्पर्श करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो, आगामी सभी कार्यक्रम के जितने भी सुंदर प्रसारण हैं वे आप तक पहुँच सकें और आप धर्म चर्चा को सपोर्ट कर सकें। अति कहूँगा कि आप सभी मन में भगवान किसी भी विशेष प्रसंग सुनने का भाव है है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना भाव, अपने मन का प्रश्न रख सकते हैं कि आप भगवान के कौन से अवतार, कौन से स्वरूप के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी चाहते हैं, 18 पुराणों में से कौन सी पुराण आपको ज़्यादा लगती है। सभी पुराने अच्छी हैं लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति की एक अपनी अपनी धारणा होती है, तो आप किसे सुनना चाहते हैं तो प्रयास किया जाएगा कि आप अपना उनके साथ चाहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें और आप सबको आपके उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कानों से ही। इसी क्रम में प्यारे बंधुओं, आज हम अवतार सुंदर मंगल में कथा श्रवण करेंगे। आपने भगवान का 13वां अवतार सुना। आज 14वें दिन, 14वें दिवस में भगवान का 14वां अवतार भिक्षुवर्त अवतार है। भिक्षुवर्त अवतार भगवान का बड़ा ही सुंदर और दयालु अवतार है। इस अवतार में भगवान ने एक शिशु की रक्षा की और उस शिशु को वह बेसहारा हो गया तो उस पर अपनी असीम कृपा भगवान भोलेनाथ ने। वो शिशु कौन था, किसका पुत्र था, आइए आज के इस प्रसंग में हम सभी इस सुंदर प्रसंग को जानें। ग्रंथों में ऐसा सुंदर प्रसंग, ऐसा लेख प्राप्त होता है कि विदर्भ देश के राजा नरेश सत्यरथ को एक युद्ध में शत्रुओं ने मार दिया। प्यारे बंधुवरों, विभद्र देश के राजा थे सत्य रथ और बड़े ही धर्म प्रेमी भगवान शिव को मानने वाले थे। एक बार इनके राज्य में शत्रु पक्ष ने युद्ध किया और शत्रु पक्ष की सेनाओं से युद्ध करते हुए राजा सत्यरथ मारे गए। तब शत्रु सेना ने इनके राज्य पर अपना आक्रमण कर लिया, अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। शत्रुओं की नजरों से बचकर के राजा सत्यरथ की पत्नी राजमहलों से निकल करके भेष बदलकर
एक ग्रामीण युवती बनकर के एक कुटिया में अपना जीवन यापन करने लगी। एक रोज पानी भरने के लिए नदी पर गई थी, ये गर्भ से थी और यही कारण था कि इन्होंने सती होना स्वीकार नहीं किया। ये राजा सत्यव्रत के इस सत्यव्रत के इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए राजा सत्यव्रत के इस पुत्र को जन्म देना चाहती थी, लेकिन ईश्वर इच्छा कुछ और ही थी। प्यारे बंधुवरों, एक रोज जल लेने गई और वहां पर एक घड़ियाल ने इनको जल भरते समय अपना आहार बना लिया। किनारे पर बैठकर पानी भर रही थी तो घड़ियाल ने इनको अपना भोजन, अपना आहार बनाया और इनका वहां पर अंत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में इनका ये छोटा सा शिशु, ये बच्चा अकेला रुदन करने लगा और भूख प्यास से तड़पने लगा। तब भगवान शिव भिक्षुवर्य एक भिक्षु का अवतार लेकर के आए और उन्हीं की कृपा से उस मार्ग पर एक स्त्री का आगमन हुआ। एक भिखारिन वहां पर पहुंची जो भिक्षा यापन करती थी, तो उसका आगमन हुआ। बताते हैं पूज्यपाद वेदव्यास जी महाराज अपने सुंदर पुराणों में कि तब शिवजी ने उस भिक्षुक रूप अवतार में भिक्षुक रूप धारण किए हुए उस भिखारिन से कहा कि देवी तनिक आप ठहरें। वे रुकी और भगवान शिव को एक साधारण भिक्षुक समझ करके उनके साथ वार्ता करने लगी। तब भगवान शिव भिक्षुक रूप में वहाँ पर जो विराजमान थे, उन्होंने उस भिखारिन से, उस भिक्षा मांगने वाली स्त्री से कहा कि हे देवी, आप इस बालक का लालन पालन पोषण करें और यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये आपको राजमाता का सुख प्रदान करेगा। आगे चलकर यह बालक क्षत्रिय राजा सत्यव्रत की संतान है, इसके पिता शत्रु पक्ष से युद्ध में मारे गए हैं और इसकी माता को एक घड़ियाल ने अपना निवाला बना लिया है, अपना आहार बना लिया है। अतः मैं धर्म के इस राह पर इस भिक्षुक रूप में आपसे सत्य कहता हूँ, आप इसका लालन पालन करें, आपके जीवन में ये तमाम सुख आपको प्रदान करेगा। और तब इस प्रकार इन भिक्षुक रूपी भगवान शिव से ऐसा कथन सुनकर इन देवी ने, जो भिक्षा मांगने वाली युवती थी, इन्होंने इस बालक का लालन पालन किया और शिव के आदेश के अनुसार उस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। प्यारे बंधुवरों, बड़े होकर के इस बालक ने भगवान शिव जी की कृपा से अपने सभी दुश्मन राजाओं को, शत्रुओं को पराजित किया, उन पर विजय प्राप्त की और अपना राज्य प्राप्त किया। साथ में भगवान शिव की कृपा से ही इस बालक ने आगे चल कर के सुंदर अश्वमेध यज्ञ आदि कर अपने राज्यकाल में सुख शांति की स्थापना की, धर्म की स्थापना की और बाबा महादेव के बड़े परम भक्त ये आगे चल कर के राजा हुए। और इन्होंने अपने लालन पालन पोषण करने वाली उन माता को भी राजमाता का अधिकार प्रदान किया। तो रंक से राजा बनाने का सामर्थ्य रखते हैं भगवान शिव। जिसका सब कुछ छिन जाए उसे भी खजाने सौंप देते हैं भगवान शिव। जिसके पास लुटाने के लिए कुछ ना बचे उसे भी बड़े बड़े भंडारे सौंप देते हैं भगवान सदाशिव। रंक को राजा पल में कर देते हैं बाबा ओगड़दानी महादेव सदाशिव। ऐसे बाबा भोलेनाथ के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, जो तमाम किस्मतों को संवारना जानते हैं, जो अल्प आयु मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीव को भी जीवन प्रदान करना जानते हैं, जो मरते को भी जिला दें, जिनका मृत्युंजय मंत्र मृत प्राणी में भी एक बार प्राण डाल दे, प्राणों का संचार कर दे, ऐसे महादेव हम सब पर कृपा करें और इस महामारी के काल में हम सबको स्वस्थ रखें, हम सबको इन महामारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करें।
परिवारों में सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी कृपा बाबा महादेव की हो। ऐसी मंगल कामना के साथ आज के इस सुंदर प्रसंग को विराम देंगे। आप सभी भक्तजन भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर रहे हैं और ये भगवान शिव की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें, भगवान के इस 14वें अवतार के बारे में, भिक्षुवर्त अवतार के विषय में अधिक से अधिक लोग जान सकें। इसके लिए आपका एक शेयर तो बनता है, आपके द्वारा केवल यही अभिलाषा है कि ये कथा हमसे आप तक ही रुकने ना पाए, आगे से आगे इतने लोगों को भेजें, जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे उतना पुण्य आपको प्राप्त होगा और हमारा ग्रंथों से पढ़कर इन कथाओं को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य भी तभी पूर्ण होगा। यहाँ उद्देश्य धर्म के प्रचार का है, संस्कृति के प्रचार का है, भगवान के अवतारों को बच्चा बच्चा जान सके, अधिक से अधिक लोग सुन सके, इसी उद्देश्य के साथ हम सभी इस 19 अवतारों की यात्रा पर निकले हैं। तो ये यात्रा आप सबके सहयोग से ही पूर्ण होगी और इस सुंदर यात्रा में, इस सुंदर कथा यात्रा में आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुमूल्य है, इसलिए आप सब अपने सहयोग के रूप में अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल से जोड़ें और इस सुंदर शिव महापुराण 19 दिवसीय कथा में अपना जो भी आप सहयोग पहुंचाना चाहते हैं वो आप सभी हमारे अकाउंट में, हमारे यूट्यूब चैनल पर लिखे हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपने नाम से यज्ञ आदि कराकर, भगवान शिव का अभिषेक करा करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, इसके लिए आप सब जुड़े रहिए। आप सभी को हर हर महादेव, हर हर संभव। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।